खराब हुए नरमे मुआवजा राशि लैके किसान मुड़ तो प्रदर्शन के राह पे ने। बठिंडा डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों वालों, तो मंग पत्र डीसी देने वास्ते आए ने। किसान कह रहे हैं भी जो खराब नरमा किसानों का वड्डी गिनती दे विच होया, हजारा एकड़ जमीन के विच जिहड़ा नरमे की बिजाई की हुई सी, नरमा पूर्ण तौर पर खराब हो गया। किसान मुआवजा राशि की मांग कर रहे ने। मुआवजा राशि किसान कहते हैं पूर्ण तौर पर सरकार वालों नहीं दिती जा रही, जिस करके किसानों आए दिन प्रदर्शन करने पै रहे ने, नारेबाजियां करनिया पै रही ने। तो किसान अज फिर जड़ा मुड़ तो डीसी दफ्तर बठिंडा दे विच पहुंचे ने, अपनी मंगां नू लैके किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे ने। पंजाब दे विच गलबात करदे आ किसान आगुआ दे नाल, की नाम है तो दसो जी, अज मंग पत्र लैके पहुंचे हो प्रशासनिक अधिकारियों के कोले, की कहंदे ने अधिकारी ते तुसी की मंग करदे हो? मेरा नाम स्वर्ण सिंह है जी, मैं किरती किसान यूनियन का जिला जनरल सैकटरी हाँ। अज असी दो मंगा नू लैके डिप्टी कमिश्नर नू मिलने जा रहे हैं। एक तो जी नरमे की खराब हुई फसल उस बारे, एक जी पशुओं के बच्चे महामारी फैली है नेपी स्किन डिजीज बोलते अपन, पशुओं के जेडे खास करके बलैती गावों के देसी गावों के धफड़ा की बीमारी हो जाती है, धफड़ हो जाते हैं मुड़ के, उस पशु की हालत बड़ी खराब हो जाती है। वो इस तरह की बीमारी है एक जिदे बारे आम लोगों को अवेयरनैस ही नहीं है, हजे ज्ञान ही नहीं है भी यदा इलाज की है, प्रोपर यदा परहेज की रखना। सानू यह डर है भी आने वाले समय के हो सकता है ये बीमारी कोई खतरनाक रूप ना धारण कर ले, मनुखों के ना चली जाए। इस करके असी प्रशासन का ध्यान इस गल वल दवाना चाहते हैं भी पिंडां दे विच टीमां बना के डॉक्टर साहब भेजे जाण, तां कि लोगों को इस गल बारे अवेयर किया जा सके, तां जो इहदा बचाव हो सके। अच्छा, कैप्टन सरकार वेले तो किसान मंग कर रहे हैं नरमा जो खराब हो गया उहदा मुआवजा मिले, लगातार प्रदर्शन भी करने पै रहे हैं, की लगता है सरकार क्यों नहीं सुनवाई करी? सरकार बदली है किसानों के हालात बदलने? देखो जी, हजे तक तो कल सरकार ही बदली है, किसानों के हालात नहीं बदले। इदू पहला जे आपां दूजियां दो सरकारां दी गल करिए उदों भी साडे हालात इहोजे ही सी, ते अज भी साडे इहोजे ही है। एक नरमा पट्टी की गल की करनी है, सारियां फसलां ही रोल रही हैं। इदू पहला मूंगी की फसल है, वह किसान ने 1300 रुपए तो शुरू करके 4,450 रुपए तक बेची है सारी, हालांकि जिहड़ी पंजाब सरकार ने उहदी MSP एलानी सी 7275 रुपए, उहदे उत्ते 5% मूंगी की फसल नहीं बिकी, बाकी सारी प्राइवेट खरीद हुई है, उहदा भी बड़ा नुकसान होया किसान नूं। मुख्यमंत्री दे कहण दे बावजूद ही किसानां ने उस पासे आए सी, पानी बचाउण दी खातर ही पिछेता झोना लाउणा सी, फिर पहलां मूंगी दी फसल तां खराब होई होई है, इदूं गां जिहड़ा PR 126 झोना उहदा बीज भी बड़ा नकली आया गा, वह भी दो बार फाकां बीजियां सारे किसानां ने, तां कि सा आर्थिक बोझ आ जिहड़ा बहुत ज़्यादा वध चुक्किआ। असीं चाहुंदे सी वी पानी बचाया जावे, पर पानी असीं नहीं बचा सके। हुण देखो नरमा खराब हो गया, नरमा बाहांगे तां झोना सानूं लाउणा पैणा गा, फिर उही काम है, पानी फिर थले जा रहा। सरकार इस गल बारे ध्यान देवे, असीं भी चाहुंदे आ वी ध्यान दिता जा सके। मुश्किलां बहुत ने, मंगा कई ने, झोना कई थां ते किसान जिहड़े नरमे दे खेतां दे विच वाही भी कर रहे हैं, ते क्योंकि मजबूर है किसान, फसल खराब है, किसानी खड़ी कित्थे आ? सत श्री अकाल जी। किसानी नूं बहुत वड्डी आस सी कि जिहड़े अखौती इनकलाब दे वारस आ कि किसानां दी बांह फड़ी जू, ठीक है। हर वेले सरकार कहती है कि सानू तो 4 महीने हो गए सरकार बनी, पर जिहड़े खेतीबाड़ी दे अफसर साही आ परमानेंट आ, सरकार जिहदी मर्जी होवे। इस मालवा पट्टी दे विच लगातार किसान जिहड़ा नरमा हजारा एकड़ बाह चुके आ नकली कीड़े मार दवाईआं, नकली बी, जाने कि जिहड़े बी आउंदे आ सरकार दी मौजूदा सुधी आ, ते खेतीबाड़ी महकमे नूं पता हुंदा, इस दे बावजूद खेतीबाड़ी महकमा उहनां ते नकली बीजां वालिआं ते नकली दवाईआं वालिआं ते कोई कारवाई नहीं करदा। किसानां ने नरमे तो इस करके गए सी कि जिहड़ा धरती हेठला पानी बचाया जा सके, झोने का खेड़ा छड्डे दे। अज मुड़ किसानां नूं जिहड़ा लख लख जिहड़ा नरमा होया पुत्तां वांगू पालिआ उहनूं बाह के मजबूरी वच झोने नूं जाणा पै रिहा। खेतीबाड़ी मंत्री एक दिन दौरा करके गया, उहदे सारे अधिकारी AC कमरिआं चों बाहर निकले सी, ते मुड़ खेतीबाड़ी मंत्री दे वापस जाण तों बाद उही अफसर उही अधिकारी जाके फिर जिहड़े ठंडे कमरे सौ रहे आ, ते किसानां नूं रब दे सहारे छड्डिआ पिआ, मारन दे सहारे छड्डिआ पिआ। एक तां इह साडी मंग आ कि जिन्हां ने नकली बी कंपनियां ने दित्ते उहनां ते परचा होणा चाहीदा 420 दा, जिन्हां ने नकली दवाईआं दित्तियां उहनां ते परचा होणा चाहीदा, ते दूजा कार्रवाई होनी चाहीदी है, जिहड़े अधिकारियां ने जाके चेक नहीं कीता।
इन्हां दोनों मंगों लै के किरती किसानी की अगवाई दे विच अज डीसी बठिंडा नूं डेपूटेशन मिलन आ रहे हैं। जे इन्हां मंगां ते ना ध्यान दिता तां साडी मजबूरी होऊ कि आने वाले दिनों के असी तिखा संघर्ष करके ते सरकार नूं मजबूर करके कि नकली बीज वाले ते नकली दवाइयां वाले ते परचा होवे ते किसानां नूं जिहड़ा ढुकमा मुआवजा दिता जाए। अच्छा, मुआवजे की मंग तो कर रहे हो, किसान कोल दूजा रस्ता की रह जाता जदों ठेके ते जमीन लैके खेती की जाती है, कर्जा चढ़ जाता, फसल खराब हो जाती है, राह की बचता किसान को? जेड़े आम किसान को राह, जेड़ा आम किसान सोचता उस को खुदकुशी तो रसवाए कोई नहीं रहा। एक किसान आ जेड़े कहें कि साड़ी फसल मर गई हुण सानू खुदकुशी करनी पेगी, पर सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार नू टैक्स दिंदे आ कि जे किसी का नुकसान होया वो सरकार साढ़े टैक्स राही उसकी भरवाई करे, ता कि पंजाब का किसान जेड़ा करजे कारण फसलां खराब होने कारण मौत नू गल आ रहा उसनू बचाया जाए। कल्ली नरमे की फसल नहीं मरती, उहदे सारे दे सारे जिहड़े चा हुंदे आ उह नरमे दे नाल फसल नाल जुड़े हुंदे आ, उह सारे धरे दे धरे रह जांदे आ। सो पंजाब सरकार तों मंग करदे आ कि पंजाब दा किसान, तुसीं कहा सी कि 1 अप्रैल तों बाद कोई भी किसान करजे करके खुदकुशी नहीं करूँ, लगातार किसान खुदकुशियां करदे आ, जिन्हें 50-50 हज़ार नू 60 हज़ार नू किला लैके नरमा बीजा सी ते अज उहनू बौणा पै रहा, यह करजे का बोझ होगा ते बोझ कारण किसान खुदकुशियां करनगे। पंजाब सरकार तो मंग आ कि कोई भी पंजाब का किसान खुदकुशी ना करे, उन्हां दी पंजाब सरकार बांह फड़े। बिल्कुल, कीर्ति किसान यूनियन के आगू ने जो मंग कर रहे हैं भी सरकार पूर्ण तौर पर उन्होंने मुआवजा राशि दे, जिहड़े किसानां दी फसलां पिछले समय के दौरान भी खराब हुई हैं ते हुण भी खराब हो रही है, उन्होंने मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि किसानों को जेकर फसल खराब हो जाती है तो खुदकुशी तो इलावा दूजा कोई रास्ता नहीं बचता, इस करके किसान खुदकुशियां ना करन। पंजाब सरकार नू किसानों के बारे सोचना चाहिए, तुरंत जड़ा मुआवजा राशि जारी करनी चाहिए है। कुणाल बांसल, जगबानी टीवी, बठिंडा।